संघर्ष। बहुत दिनों की बात है, रामनगर गांव में एक दयालु नाथ नाम का पहलवान था। उसका नाम तो दयालु था, पर दया उसके स्वभाव में नहीं थी। उसकी माँ का नाम सीता था। उसने मेहनत और मजदूरी करके दयालु नाथ को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बेटा जो कि 10 वर्ष बाद बड़े ही मन्नतों से पैदा हुआ था, छोटे से ही वह बहुत ही बदमाश था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता था। माँ सोचा अभी छोटा है इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर नहीं किया करेगा। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ, फिर भी उसकी आदत वैसे ही थी, और तो और वह अपनी माँ की इज्जत भी नहीं किया करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी, वह उसकी गलतियों को अनदेखा करती थी। सीता को ऐसा लगता था कि वह आज नहीं तो शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन दयालु नहीं सुधरा। जब वह 20 वर्ष का हो गया तो वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई कि वह अब अपनी माँ को और पिता पर हाथ उठाने लगा था। 2 साल बाद उसके बूढ़े पिता भी दुनिया से चले गए। माँ अकेली रह गई थी। उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा, उसे खाना बनाकर देना होगा। उसकी माँ ने सोचा इसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे तो दयालु का जीवन सफल हो जाएगा, उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। पत्नी पुष्पा अपनी सास देविका, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी के घर पर मिलने आई थी, उसे भी एक दिन दयालु ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी क्या करती, वह गरीब परिवार से थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसीलिए वह चुप रही। कुछ महीनों बाद उसकी बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। 4 साल के अंदर उसने पुष्पा ने 3 बच्चों को जन्म दिया। दयालु उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। पुष्पा यह गम सहती गई और कुछ नहीं कह पाती थी। नौकरों की तरह घर के सारे काम किया करती थी। रात को भी वह चैन के सांस नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पीकर आता और उसे मारा करता था। 10 साल तक तो बेचारी पुष्पा जैसे तैसे करके कामकाज करती रही और अपने अत्याचारी पति की मार सहती रही, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन जाएं और वे उनकी माँ की तरह जीवन न जिए। भगवान की कृपा और पुष्पा की मेहनत रंग लाई। जो कॉलेज में पढ़ती थी वह MCA सेकेंड ईयर में प्रथम आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था, एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक रोज़ उसके पिता शराब के नशे में घर आए, अपनी बड़ी बेटी रीना को भला बुरा कहने लगे और मारने लगे। रीना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाई, यहाँ तक कि माँ को भी उसने बचाया तो उसे मारा। यह देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। रीना अपनी गलतियों के बारे में पूछती कि मैंने कौन सी गलती कर दी, सीधा कॉलेज से घर ही तो आ रही थी। पिता शराब की हालत में ज़ोर से बोले, मैंने अगली बार तुम्हें राहुल के साथ देखा तो समझ जाना। रीना मध्यम स्वर में, राहुल मेरे कक्षा में पढ़ता है, वह मेरा अच्छा मित्र है। पिता, मैंने तुम्हें इतना बड़ा क्या राहुल के लिए किया है कि तुम उसके साथ चली जाओ? तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है, इसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता हूँ। रीना और उसकी माँ यह वाक्य सुनते ही चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगे कि ये पिता है कि हैवान। रीना अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि हर रोज़ के नाटक से वह थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत की हद भी पार कर दिया। अब पिता नाम से घृणा होने लगी थी। आसपास के लोग भी उनकी मदद करने से डरते थे। किसी ने उसकी मदद की तो उसके पिता पड़ोसी लोगों से भी लड़ाई करते थे। लोग उनकी मदद तो करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया था, उसे रीना पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता के घर से किसी काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तभी पुष्पा ने सोचा कि अच्छा मौका है। रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आकर पुष्पा ने रीना की शादी अपनी सहेली के बेटे राहुल से, जो कि उसके साथ कक्षा में पढ़ता था, उस पर करा देती है और अपनी बेटी को इस नरक से निकाल देती है। रीना और राहुल उस गांव से चले जाते हैं और नागपुर शहर में जाकर अपने गांव की पढ़ाई करते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिता को यह बात पता चली तो हमेशा की तरह फिर से लड़ाई होती है, लेकिन आज इस लड़ाई में पुष्पा को बहुत सुख
समय बीतता गया। जल्द ही रीना वकील बन गई। उसने अपनी माँ पुष्पा को उस नरक से आज़ादी दिलाई और अपनी माँ सहित दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ अपने घर में रख ले कर अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रही है। आज वे सब एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः पुष्पा यह संघर्ष पूरा हुआ, इधर उधर उसके पिता अब अकेले अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं देता। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा है, या कह सकते हैं कि अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग और नरक है, जो जैसा कर्म करेगा उससे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें। धन्यवाद।